वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। आदमी का यात्रा करने का जुनून ने उसे चांद पर पहुंचा दिया। मैं ज़्यादातर राइड अपने एक्टिवा से करता हूँ और मेरी राजस्थान ट्रिप की सेकेंड राइड है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और अभी मैं यहाँ भी पुष्कर में हूँ और पुष्कर में मेरा यहाँ पे तीसरा दिन है और यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे गुरुद्वारा है ना, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। तो इस गुरुद्वारा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो गुरु के जो दो सिख है, तो उनका अपना नाम बता होगा कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी। तो जब वो अपने लाइक यहाँ पे पुष्कर पे आए थे तो इन्होंने यहाँ पे स्टे किया था और गुरु सिख के गुरु जो दसवें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय के लिए यहाँ पे स्टे किया था। तो अभी यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो अभी मैं आपको गुरुद्वारा के बारे में थोड़ी स्टोरी और यहाँ की पूरा गुरुद्वारा दिखाता हूँ अंदर से। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ तो अजमेर से पुष्कर की दूरी करीबन 15 किलोमीटर है। गुरुद्वारा सिंह सभा अजमेर में सिंह सभा की सहायक है और पुष्कर में बस स्टैंड के पास एक सुंदर दो मंजिले सफ़ेद इमारत में स्थित है। गुरुद्वारा सिंह सभा पुष्कर। इतिहास के अनुसार इस स्थान का अतीत में दो सबसे प्रसिद्ध सिख गुरुओं गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी ने 1706 में राजपूताना राज्यों की यात्रा के दौरान दौर किया था, जिस स्थान पर सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे। उसे गोविंद घाट के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर गांधी घाट कर दिया गया। वैसे तो इस गुरुद्वारा का बहुत सा अलग अलग इतिहास है, पर मैं आपको अभी वो इतिहास बताता हूँ जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था। अजमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर बसा पुष्कर राज तीर्थ है। यह हिंदू धर्म का बहुत ही पुराना तीर्थ है। यह तीर्थों का राजा कहलाता है। यह स्थान सुंदर पहाड़ियों के बीच में है, अतः इसके मध्य में एक सरोवर है। वह नगर सरोवर के चारों ओर बसा हुआ है। सरोवर के ऊपर 52 घाट है, उनमें से एक गोविंद घाट है जो कि सिख इतिहास में संबंधित है। श्री गुरु नानक देव जी श्रीलंका व दक्षिण की उदासी से वापस आते वक्त अजमेर पुष्कर की धरती पर 1511 में चरण रखे थे। श्री पुष्कर नानक देव जी मारवाड़ के बीच होते हुए अजमेर पहुँचे। यहाँ पर गुरु नानक देव जी मुसलमान पीर चिश्ती साहिब के शिष्य अलाउद्दीन और सगरसुद्दीन से ज्ञान गोष्ठ किया और वहाँ से श्री गुरु नानक देव जी महाराष्ट्र 1511 ई में पुष्कर नगरी पहुँचे। यहाँ उनकी बड़े बड़े ऋषि मुनियों से ज्ञान गोष्ठ हुआ और सत्य का उपदेश दिया। बाबा जी ने आदर्श दिया कि मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जीवों पर दया करो, धर्मशाला बनाओ, लंगर लगाओ। जहाँ यात्रियों का भला होगा वह आपका भी भला होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन इसी स्थान पर 1707 में हुआ था। जब आप पंजाब से दक्षिण को औरंगजेब से मिलने जा रहे थे, कवि भाई संतोख सिंह जी ने अपने काव्य ग्रंथ श्री गुरु प्रताप सूरज प्रकाश में अति सुंदर वर्णन किया है। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, पुष्कर राज सरोवर के किनारे जहाँ श्री गुरु नानक देव जी विराजे थे, उसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने विश्राम किया। वह अपने सिंहों का शिविर लगाया। तब चेतन नाम के ब्राह्मण ने बताया कि बाबा गुरु नानक देव जी इसी स्थान पर विराजे थे। वह गुरु साहिब जी को और भी जगह के दर्शन करवाए। पुष्कर के पड़ाव के वक्त गुरु जी ने सिखों को एक तरह की वर्दी दी व अलग पहचान देकर लोगों में जिज्ञासा प्रकट की। यह कैश जारी है, शस्त्र भी पहनते हैं। इनका परिवार ना हिंदू वाला है ना मुसलमानों जैसा। गुरु साहिब ने उत्तर दिया कि जगत में तीसरा खालसा पंथ चला दिया जो हिंदू मुसलमानों से अलग है। यह अकाल पुरख के उपासक है। मेरे साथ जो सिंह है वह तो बीच के रूप में दिखावा है, खालसा पंथ तो अभी और भी फैलेगा। इसके बाद गुरुजी जब बागुर साहिब भीलवाड़ा पहुँचे तो वहाँ औरंगजेब
के मृत्यु का समाचार मिला। वह बहादुर शाह ने गुरु साहिब से गद्दी प्राप्त करने की मदद मांगी। पुराने गुरुद्वारा की बिल्डिंग का काम नए सिर से गुरुद्वारा बनाने के लिए कार सेवा भबखड़ वासी श्रीमान बाबा तारा सिंह जी सराली वाले के उत्तराधिकारी बाबा लखा सिंह जी बाबा बलविंद सिंह जी कोटा वाले द्वारा सन 1999 से चल रहा है। प्रकाश स्थान व लंगर हॉल 2005-2006 संगतों के सहयोग से कार्य संपूर्ण हुआ है। गुरुद्वारा की कार सेवा अभी भी चल रही है। तो ये छोटी सी कहानी थी जो यहाँ पे गुरुद्वारा पे बोर्ड पे लिखी जो मैंने आपकी आपको सुनाई। तो जो गुरुद्वारा है ना काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है। लाइक जब लाइक एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत हुई ढूंढने में क्योंकि गूगल हमें लगा कहीं और है पर गूगल मैप पे देखा तो यही था। लोकेशन परफेक्ट है गूगल मैप पे और काफ़ी अच्छा लाइक गुरुद्वारा जैसे हम लोग आए तो काफ़ी एकदम बाहर से वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आपको स्टोरी तो मैंने बताई दी और यहाँ पे जो लाइक अभी कुछ 12 बज चुके हैं और यहाँ पर यहाँ का जो टेम्परेचर ना एकदम सही है, मतलब ना एकदम गर्मी है ना एकदम लाइक ठंडी है। सुबह बहुत ठंड होती है पर शाम को यहाँ पे 6 या 6:30 के बाद यहाँ पे ठंड होना शुरू हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर रहता है ना लाइक 12 बजे के बाद 11-12 बजे वो एकदम सही होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ठंडी में घूमना घूम सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना सुबह घूमो उतना ही अच्छा है। सॉरी थोड़ा सा काला आ रहा होगा। ये जो गुरुद्वारा है ना काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप पुष्कर आ रहे हो तो आप घाट पे बैठो, आप यहाँ पे कैमल फेयर में जाओ, घूमो फिरो, पर यहाँ पे एक बार ज़रूर यहाँ पे गुरुद्वारा में आपको आके काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लंगर भी चलता है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लंगर के कहाँ पे चलता है। अगर आपको यहाँ पे लंगर करना है तो आप लंगर भी खा सकते हो, यहाँ की जो प्रसादी है वो आप यहाँ पे खा सकते हो। तो लाइक हम तो यहाँ पे प्रसादी नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग लाइक खा के ही आए। तो अगर आपको यहाँ पे प्रसादी लेनी हो लंगर की तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं आपको एक बार जगह दिखा देता हूँ कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप कहाँ पे लंगर खा सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत है लग रहा है। तो अभी जैसे यहाँ से एंट्री करोगे ना तो यहाँ से तो गेट आ जाएगा जहाँ से आप एंट्री करोगे तो गुरुद्वारा दर्शन कर सकते हो। आपको अपने राइट साइड मुड़ोगे तो वहाँ पे लंगर आ जाएगा। तो आप ये जो सामने देख रहे हो ये लंगर हॉल है और यहाँ पे आप लंगर की प्रसादी ले सकते हो। तो मैं बस आपको एक बार दिखा रहा था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो अगर आपको लंगर की प्रसादी लेनी हो तो आप कहाँ पे ले सकते हो। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने जैसलमेर, जोधपुर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, करीब 100 से अधिक वीडियोज़ बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।